हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डीजल मैकेनिकल की एलपी स्टेज टू सीबीटी टू के लिए पार्ट फोर लाए हैं हम। इसमें हमने जैसे प्रॉमिस किया था मैंने 1000 क्वेश्चन देने के लिए, तो अभी मैं दे रहा हूँ, कुछ कई एक सीरीज चालू है। ठीक है, मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में मतलब पार्ट पार्ट में आपको मैं मतलब 1000 क्वेश्चन दूंगा। आप ये नहीं सोचिएगा एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ नहीं, आपको कुछ मतलब ऐसे मिलेंगे, क्योंकि मेरी भी कुछ वो है कि मैं पूरा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आपके लिए, इसलिए मैं पार्ट कर पर 22 और 23 के पहले मैं आपको दे दूंगा। चलो टाइम फिनिश, अब चालू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रायर डीजल इंजन का निर्माण कितने स्टॉक में किया जाता है, कितने स्टॉक में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है, 2 स्टॉक और 4 स्टॉक में किया जाता है डीजल का। 2 स्टॉक में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, तो 1 2 स्टॉक में 1 रिवॉल्यूशन होता है और उसमें 2 रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये इसका क्या, 2 स्टॉक में क्या होता है, 1 पावर स्टॉक होता है, 4 स्टॉक में 2 पावर स्टॉक होता है, याद रखना ये बातें। ठीक है, डबल एंडेड स्पैनर में कितने सिरे होते हैं, तो आपको पता है डबल एंडेड स्कैनर में कितने 2 सिरे होते हैं। ठीक है, कितने सिरे, 2 सिरे, इसका ऑप्शन बी 2 एंड 4 स्टॉक होते हैं, याद रखना। ये वाला मैं डबल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना आप, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक वाला इंजन होता है, याद रखना, पक्का आएगा क्वेश्चन। डबल एंडेड स्कैनर में कितने सिरे होते हैं, तो 2 सिरे होते हैं। ठीक है, 2 सिरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हवा और पेट्रोल को उचित मात्रा में कौन मिलाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हवा और पेट्रोल को उचित मात्रा में कौन मिलाता है पेट्रोल इंजन में, तो कार्बोरेटर, कौन मिलाता है, कार्बोरेटर। ठीक है, तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है ऐसा इंजन में, याद रखना, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर होता है। ठीक है, ऐसा इंजन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं, तो डीजल इंजन में किसका, डीजल इंजन में सिर्फ हवा का आता है मिक्सचर, याद रखना। ठीक है, पिस्टन रिंग में कितने रिंग फिट करते समय किस टूल का प्रयोग किया जाता है, पिस्टन रिंग जब हम फिट करते हैं ना, तो हम रिंग एक्सपेंडर टूल का यूज करते हैं, कौन सा टूल, रिंग एक्सपेंडर टूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भार विवाहन नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, भार विवाहन नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो आउटसाइड केपलर, कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। भ्राय विवाहें रहती है उनको नापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आउटसाइड, भ्राय यानी कि बाहर वाली, तो इसलिए आउटसाइड, क्योंकि जैसे मैं बताऊं आपको डीजल मैकेनिकल में क्या होता है, ये क्या इंजीनियरिंग हमेशा इंग्लिश में अधिकतर है, तो ये हिंदी को इंग्लिश को ट्रांसलेट किया गया है, तो आप याद रखना, भ्राय निभाएं तो आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड केपलर। ठीक है, इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, अब बताओ इंजन के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है ना उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, या इनमें से कोई नहीं, बताओ क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैंने आपको बताया भी था कि क्या होती है इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर क्या होती है, मेरे पार्ट वन देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसके क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आईपी, याद हो तो शॉर्टकट फॉर्म आईपी, आईपी बीपी पढ़ाया था मैंने, तो जो होता है इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का रेशियो, आईपी और बीपी का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, आईपी बीपी का डिफरेंस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्रिक्शन पावर बोलते हैं, ये भी याद रखना। और इंडिकेटेड पावर क्या होती है, इंडिकेटेड पावर ही जो इंजन के अंदर से पावर उत्पन्न करती है, इंजन के अंदर से पावर कौन उत्पन्न करता है, इंडिकेटेड पावर उत्पन्न करता है, और आईपी यानी इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेकिंग पावर का डिफरेंस फ्रिक्शन पावर कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रिक्शन पावर। सामान्यतः 2 तरह के टायर होते हैं, कौन कौन से 2 तरह के टायर होते हैं आप बताओ, तो एक होता है ट्यूब और एक होता है ट्यूबलेस पावर, कौन सा, एक ट्यूब टायर और एक ट्यूबलेस टायर। आजकल ट्यूबलेस टायर का बहुत चलन हो रहा है, आपकी जो अधिकतर आप हायाभूसा और ये सब ले रहे हैं चला रहे हैं, इनमें आप ट्यूबलेस टायर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपकी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं पल्सर वल्सर, उसमें सब आप ट्यूबलेस टायर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, मसालेदार टायर बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, याद हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं मैं। पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए दिया जाता है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन के लिए क्या जाता है, पेट्रोल की बात, सीधी बात है यार, आप सीधी बात याद रखो, पेट्रोल की बात आई यानी ऐसा इंजन, वहीं से याद रखो स्पार्क प्लग। ठीक है, डीजल की बात आई यानी कि जहां पर डीजल की बात आई वहां पर क्या होता है, सीआई इंजन। ठीक है, और वहां कंबशन होता है अंदर ही अंदर पेट्रोल में, सॉरी डीजल में। ठीक है, और ये पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का, इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में किस तरह की कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तुमने कभी ट्रैक्टर वैक्टर देखा है, ट्रैक्टर में हम पानी डालते हैं ना सामने। ठीक है, तो ये से याद रख लेना, 4 स्ट्रोक इंजन में किस तरह कूलिंग की जाती है, तो पानी की कूलिंग की जाती है।
ठीक है, ट्रैक्टरों में की जाती है। निम्नलिखित में से किस बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन या प्रति घर्षण बेयरिंग कहते हैं? अरे यार, घर्षण को किससे निपाया जाता है? घर्षण को हम किसी ये सरफेस है उस पर हम पैदल चलेंगे, घर्षण ज़्यादा आएगा। अगर वहीं से टायर से चले या फिर किसी रोलिंग से हम चले तो क्या होगा? घर्षण कम होगा, उसे ही घर्षण कम है, यानी कि एंटी फ्रिक्शन बोलते हैं, याद रखना। यानी प्रति घर्षण, यानी कि घर्षण नहीं लग रहा है तो उसे बोलते हैं रोलिंग बेयरिंग, भावी बेयरिंग। ठीक है, रोलिंग भावी बेयरिंग। ठीक है, याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे की जॉब को पकड़ने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी? अरे बेंच पे जॉब रखी रहती है तो बेंच वाइस, याद रख लो, बेंच पे जॉब रखी है तो यानी कौन सी? जॉब वाइस बेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय, अब बताओ डीजल की बात हुई है, पेट्रोल की बात नहीं हुई है। पेट्रोल यानी ऐसा इंजन, डीजल यानी सीआई इंजन, उसमें क्या मिक्सचर आता है? क्या आता है? मिक्सचर। ठीक है, ओके। एचपी हमें ये देखो, इंडिकेटेड हॉर्स पावर हमेशा ब्रेकिंग हॉर्स पावर से क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। अभी भी तो पढ़ाया था मैंने फ्रिक्शन पावर, आईपी माइनस बीपी, तो आईपी ज़्यादा रहेगी तभी तो बीपी को माइनस करोगे, ऐसे ही थोड़ी कर दोगे। ठीक है, हो गया। और आप सभी याद रखना है, एसआईसीआई इंजन अच्छे से पढ़ो, एसआई इंजन क्या होता है?